बिलासपुर के परमाणा में करंट लगाकर जंगली जानवर नीलगाय को मारने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार वन विभाग व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस व वन विभाग के कर्मचारियों ने इसकी जांच की, जिसके चलते शक के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए किसान वर्ग बिजली विभाग की आपूर्ति लाइनों से अवैध तरीके से लोहे या किसी अन्य सहयोगी धातु का प्रयोग कर रात्रि काल अपने खेतों में बिजली करंट लगा देते हैं, जिसकी चपेट में जंगली जानवर तो बेमौत मारे जाते हैं, अपितु भूलवश इंसान भी करंट लगने से मौत के आगोश में समा जाते हैं। जिला बिलासपुर सहित हिमाचल प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। समय रहते अवैध तरीके से करंट लगाकर बेजुबान जंगली जानवरों को मारने से रोकने के प्रति वन विभाग सहित संबंधित विभागों को कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाने होंगे। जिला बिलासपुर के गांव त्यून च्यून धार की 6 पंचायतों के ग्रामीणों ने हडिम्बा बस का घेराव नैन गुजर में किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लगभग 20 वर्षों से हडिम्बा बस का रूट घट्टू बिलासपुर बाय हरलोग होता था, पर पिछले कुछ दिन पहले इस बस का रूट बदलकर बल चुरानी कर दिया गया है। उक्त समस्या को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश महोदय आरटीओ से भी मिल चुका है, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में भारी रोष है। इस बस का रूट बदलने से लगभग 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर स्कूल कॉलेज सरकारी विभागों के लोग हैं, जिन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए बिलासपुर जाना होता है। ग्रामीणों ने जिलाधीश महोदय से भी गुहार लगाई थी कि या तो इस बस को पुनः पुराने रूट पर लगाया जाए या फिर उक्त समय पर नई बस चलाई जाए, ताकि लोगों को समस्या ना हो। इस रूट के बंद होने से काफी पंचायतों के ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बस घेराव के उपरांत कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों सोए हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि कल सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर कुलघाट में हडिम्बा बस को रोकेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। इस मौके पर सेवानिवृत्त कैप्टन रामलाल, सुमन कुमार, हरिराम, निक्का राम, देशराज, धर्मपाल, राजेश कुमार, शशि विनोद व 50 से ज्यादा ग्रामीण मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार 70 mm से अधिक आकार का बीज डाला जाएगा। इस बाबत प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके तहत गोविंद सागर में मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता की देखरेख में 4.19 लाख मछली बीज डाला गया, जबकि कुल 10 से 12 लाख सिल्वर कार्प प्रजाति की मछली का बीज डालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पोंग डैम, चमेरा और कोल डैम में भी पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक बीज डालने का निर्णय लिया है। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि इस बार गोविंद सागर में मछली की बेहतर ग्रोथ पाई गई है, जिसके तहत पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा मछली बीज डालने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 4,19,000 मछली बीज डाला गया। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर जलाशय में 10 से 12 लाख मछली बीज डालने की योजना है। पश्चिम बंगाल से बीज मंगवाया गया है, जल्द ही अगली खेप बिलासपुर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में स्थापित फार्मों में उत्पादित बीज भी जलाशयों में डाला जाएगा, तथा पोंग डैम में 8 से 10 लाख मछली बीज डाला जाएगा, और इस जलाशय में भारतीय मेजर कार्प, रोहू, मृगल व कतला प्रजाति का बीज डाला जाएगा। सतपाल मेहता के अनुसार चमेरा डैम में सिल्वर कार्प का 2 लाख बीज डाला जाएगा, जबकि कोल डैम में 3 से 4 लाख मछली बीज डाला जाएगा।
उन्होंने बताया कि मछली की पैदावार बढ़ाने के मकसद से इस बार जलाशयों में सुनियोजित तकनीक से बीज डाला जा रहा है, जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि बाखरा डैम में भी जल्द ही केज में सिल्वर कार्प का 20 से 25 एमएम का बीज डाला जाएगा। बाखरा में कुल 28 केज हैं और एक केज में 8 से 10,000 बीज डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मछली का आकार 100 एमएम होने पर इसे जलाशय में डाल दिया जाता है। केज में मछली सही ग्रोथ करती है। 1.5 से 2 लाख मछली बीज डालने की योजना है।